हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? तो मैं संतोष कुमार आज फिर से एक फ्रंट ऑफिस का टॉपिक लेके आपके लिए आया हूँ। और उस टॉपिक का नाम है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, टैरिफ। टैरिफ भी थोड़ा लंबा टॉपिक है, जैसा पिछला गेस्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर में था, इसलिए हमने इसको दो पार्ट में बनाया है। तो आज पहला पार्ट हम डिस्कस करेंगे, टैरिफ का मतलब क्या होता है। टैरिफ का मतलब एक्चुअली में होता है, जनरली होटल्स हैं मेनी रेट कोड कैटेगरीज दैट डिफर फ्रॉम रूम टू रूम एज पर इट्स साइज व्यू लोकेशन डेकोर इत्यादि। मतलब होटल का क्या होता है, अलग अलग रेट कोड होता है अलग अलग कैटेगरी के रूम का। वो अलग अलग कैटेगरी रूम अलग अलग कैसे होता है, लाइक उसके साइज के हिसाब से अलग हो सकता है, व्यूज के हिसाब से उसको अलग रखा जाता है रूम टाइप का, लोकेशन के हिसाब से, उसके सजावट के हिसाब से हो सकता है। दिज रूम रेट कोड कैटेगरीज सूट द टाइप्स ऑफ रूम अवेलेबल, फॉर एग्जाम्पल टिलक स्वीट्स स्टूडियो पेंट हाउस इत्यादि। मतलब अलग अलग ये क्या टाइप्स ऑफ रूम भी होते हैं, कुछ कैटेगरीज होते हैं, रेट कैटेगरी होते हैं, वो मतलब सेम रूम हो, डबल रूम है लेकिन उसका व्यू अलग अलग है तो उसका रेट अलग हो सकता है। मान लो लोकेशन क्यों ही फर्स्ट फ्लोर पे भी 15वें फ्लोर पे है, सिंगल ही रूम है लेकिन दोनों का रेट अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसका लोकेशन अलग है, व्यू अलग है, एक तो वो डिफर करता है और दूसरा टाइप्स ऑफ रूम पे वो हो सकता है चेंज हो जाए। टाइप्स ऑफ रूम अलग हो तो रेट अलग हो सकता है, जैसे डिलक्स रूम है स्वीट रूम है दोनों का रेट अलग होगा, स्टूडियो रूम का रेट अलग होगा, या दोनों टाइप से भी रूम रेट अलग अलग हो सकता है। तो टैरिफ आपने समझ लिया, टैरिफ एक टाइप का रेट कोड होता है। टैरिफ जैसे आपने आपने देखा अपने मोबाइल फोन में रिचार्ज करते हो तो रिचार्ज का टैरिफ आता है ना अलग अलग, कि मंथली टैरिफ क्या है, 3 मंथ का टैरिफ क्या है, या कॉल रेट कटर क्या है, ये सबका टैरिफ होता है और रेट होता है मान के चलो। तो नेक्स्ट है, द फॉलोइंग आर सम ऑफ द स्टैंडर्ड रूम रेट इन होटल। अब हम आगे कुछ डिस्कस करेंगे जो कुछ स्टैंडर्ड रूम रेट होता है जो होटल्स में आपको ऐसे रूम रेट्स मिलते हैं। सबसे पहले है रैक रेट। रैक रेट होता क्या है, सिंपल अगर मैं बताऊं, रैक रेट इज अ स्टैंडर्ड पब्लिश रेट डिफाइंड बाय द होटल्स मैनेजमेंट फॉर ए स्पेसिफिक रूम टाइप। सिंपल कोई भी रूम बनता है होटल में नया, प्री ओपनिंग जो ओपनिंग होता है जब, तो सारे रूम टाइप अलग अलग, सिंगल रूम डबल रूम या स्वीट रूम, जो भी अलग अलग रूम है उनका एक प्राइस डिफाइंड होता है कि हम इस होटल को इस रूम्स को इतने रेट में बेचेंगे। अगर हम एग्जांपल ले, आप मान लो कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हो, मान लो आपके घर में जो चल रहा है, सिंपल मान लो आपके खेत में सब्जी उग रही है या कोई फ्रूट्स उग रहे हैं, तो आप मार्केट जाते तो कुछ तो सोच के जाते अपना फ्रूट्स में इस रेट में बेचूंगा, बट वहां जाके वहां के सिचुएशन के हिसाब से भी रेट चेंज होते हैं। बट जो आप घर से सोच के गए वही रैक रेट होता है। सिंपल जैसे हम होटल ओपन कर रहे हैं और हमारा रूम अलग अलग टाइप का है, हमने सोचा कि इस रूम को इस रेट में बेचेंगे, इस रूम को इस रेट में बेचेंगे, तो आपने सबसे पहले डिसाइड किया अपने रूम के लिए, वो होता है रैक रेट। सिंपल कोई भी क्या बोलते हैं, होटल रूम का पब्लिश्ड या स्टैंडर्ड रूम जो सबसे पहले कस्टमर को दिखाया जाता है कि हमारा रूम का प्राइस ये है, एक स्पेसिफिक रूम टाइप का, उसको हम रैक रेट बोलते हैं। हम नेक्स्ट है कॉरपोरेट और कमर्शियल रेट। हाँ, अब आ जाते हैं, एक तो अपने घर से सोच के आए हमें इस रेट में बेचना है, वो रैक रेट हुआ। बट आप मार्केट गए तो सिंपल आप गए वहां, तो कोई मान लो आप तो खेत से निकाल के लेके गए सब्जी, बट कोई सब्जी बेचने वाला आपसे खरीद रहा है, एक तो कस्टमर को आप अलग रेट में बेच रहे हो बट कोई एक थोक में खरीद रहा है आपसे रेगुलर, जैसे हमेशा आप लेके जाते हो कोई सब्जी वाला आपसे खरीद लेता है तो वही सेम रेट तो लगाते नहीं हो उसके लिए, उसके लिए एक अलग रेट बनाते हो कि हाँ आप हमेशा आप मेरे से सब्जी खरीद लेते हैं, आप खुद खुद बेचने के लिए खरीदते हैं आपसे। तो वैसे कॉरपोरेट और कमर्शियल रेट क्या होता है कि मान लो एक आपका होटल का बिजनेस है, किसी का आईटी कंपनी है बड़ा सा, तो उसके उसके जो स्टाफ हैं हमेशा आपके एरिया में आते रहते हैं अपने काम से,
वो रेगुलर आ रहे हैं आपके होटल में, रेगुलर बिजनेस देंगे आपको, तो उनके लिए एक अलग रेट बना के दोगे कि हाँ आप रेगुलर बिजनेस देते हो तो हमको ये रेट दे देते हैं, आपको हम सेम रैक रेट नहीं लेंगे बट आपके लिए इतना डिस्काउंट हम कर देंगे, जो रूम हम 5,000 में बेचते हैं आपको हम 4,500 में देंगे अगर रेगुलर आप बिजनेस हमें दे रहे हो। तो वही होता है कॉर्पोरेट और कमर्शियल रेट इज अ रेट दैट इज ऑफर टू कंपनीज विच प्रोवाइड रेगुलर बिजनेस टू द होटल फॉर इट्स चैन। चैन मतलब होता है कि मान लो ताज होटल, अगर पूरे इंडिया का हम बात करें तो इंडिया में बहुत सारे 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 हर स्टेट में है, अगर एक तो होता है कि आपका होटल हर हर दिल्ली में आके आपको रेगुलर बिजनेस दे रहा है तो वो उसको लिए भी आप एक अलग रेट बना दोगे, उसको कमर्शियल रेट बोलेंगे या कॉर्पोरेट रेट बोलेंगे, या मे भी हो सकता है कि आपको आप दिल्ली में बैठे हो और आपके सब जहां जहां ताज होटल है सब में बिजनेस दे रहा है, तो एक दिन दिल्ली वाले में भी आए तो उसके लिए भी वही रेट लगा दोगे आप, उसके लिए भी कोई कंपनी रेट बना देती कि आप मेरे ताज होटल या किसी चैन में जाकर रुको यही रेट लगेगा आपको। तो होता है कॉर्पोरेट और कमर्शियल रेट। नेक्स्ट है एडहॉक रेट। एडहॉक सिंपल एडहॉक रेट होता है कॉर्पोरेट कमर्शियल रेट इज अ नॉन स्टैंडर्ड रेट, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, दैट इज ऑफर्ड एज अ स्पेशल वन टाइम रेट फॉर अ कंपनी दैट इज डूइंग बिजनेस विद द होटल फॉर अ फर्स्ट टाइम। कोई भी कंपनी आपके साथ बिजनेस करने आ रही है तो उसको सिंपल हम क्या करेंगे, एक नॉन स्टैंडर्ड रेट होता है एडहॉक जो सबसे एक बार कंपनी को दिया जाता है कि आप मेरा ये 3,000 में हम रूम दे रहे हैं, आप आओ देखो कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लगेगा तो आप हमारे साथ बिजनेस करना, उसके बाद कॉर्पोरेट कमर्शियल रेट का बात होगा। तो जो अचानक से बन जाए एक का एक किसी को रेट दे दिया जाए उसे एडहॉक रेट कहा जाता है, जो कंपनी रेगुलर बिजनेस करना चाहती है तो लेकिन एक बार आपके होटल में आकर आपकी सर्विसेज चेक करना चाहती है, देखना चाहती है, तो उसके लिए हम एडहॉक रेट बनाते हैं। ग्रुप रेट होता है सिंपल, ग्रुप जो दिया जाता है ग्रुप रेट इज अ रेट दैट इज ऑफर टू अ कंपनीज फॉर यूजिंग द होटल फॉर कन्वेंशन और मीटिंग। देखो होटल में कन्वेंशन हॉल भी होता है, मीटिंग रूम भी होता है, तो कोई कंपनी अगर आपके होटल में कन्वेंशन क्या बोलते हैं कन्वेंशन हॉल या मीटिंग रूम यूज करने के लिए आ रही है, साथ में रूम ले रही है आपके होटल में, तो सिंपल आपको ये बिजनेस दे रही है कन्वेंशन हॉल में मीटिंग करा रही है उसका, वो सबका अगर बिजनेस दे रही है तो हम उसके लिए एक रेट बना देते हैं मिक्सअप करके, जब मीटिंग कर रहे हो तो आपके लिए हम 4 रूम इसके साथ ये रेट में दे सकते हैं, तो वो रेट होता है ग्रुप रेट, क्योंकि एक साथ ग्रुप आ रहा है मे भी 10 रूम 20 रूम भी ले सकता है तो उसके लिए एक अलग रेट बनता है, उसको ग्रुप रेट कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रमोशनल रेट कोड। ये क्या होता है, प्रमोशनल रेट कोड इज अ रेट दैट इज ऑफर टू अ गेस्ट ड्यूरिंग लो ऑक्यूपेंसी पीरियड टू इंक्रीज द होटल बिजनेस, दिस रेट कैन ऑल्सो बी इन अ फॉर्म ऑफ एड ऑन सर्विस लाइक वाईफाई और फ्री लंच और डिनर। देखिए प्रमोशनल रेट क्या होता है, जब कोई भी होटल का आप अगर नॉर्मली देखो, कंपनीज का भी अगर आप किसी कंपनी का भी देखो, हम होटल में बात करें होटल का ही बात करें, होटल में जब कभी कभी ऐसा सीजन आता है जब गेस्ट बहुत कम आते हैं आपके होटल में तो खाली जाने लगता है, तो उस समय प्रमोशन किया जाता है क्या, कुछ रेट कम करके, हो सकता है कि बोले 10% डिस्काउंट दो, इस डेट से इस डेट के बीच आप हमारे होटल में रूम बुक करो 10% डिस्काउंट मिलेगा आप, या फिर आप ये कर सकते हो कि आप इस डेट से इस डेट के बीच में अगर हमारे होटल में रूम बुक करोगे आपको पूरा वाईफाई फ्री मिलेगा, या फिर तीनों टाइम का खाना फ्री मिलेगा, लंच टाइम फ्री मिलेगा, तो ये किसी प्रकार से आप प्रमोट कर रहे हो अपने रूम को ज्यादा बेचने के लिए कि ज्यादा लोग इससे अट्रैक्ट होकर आए हमारे होटल में, क्योंकि उस समय लोग ऑक्यूपेंसी है तो बिजनेस ठप होता है, बिजनेस कम होता है, तो मे बी आप ऐसा करके क्या कर सकते हो अपने कस्टमर को बुला सकते हो, अपने होटल को प्रमोट कर सकते हो। सिंपल जो एक आपका रूम 5,000 में बेचना है आपको लेकिन वो खाली जा रहे हैं, तो आप 5,000 जा रहे हैं लेकिन वो 3,000 में आपने बेच दिया तो कुछ तो आया, खाली जाने से अच्छा है 3,000 रुपये आया, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट है इंसेंटिव रेट कोड। इंसेंटिव रेट क्या होता है, इंसेंटिव रेट कोड इज अ रेट दैट इज ऑफर टू गेस्ट हु बिलोंग टू एन एसोसिएशन और होल्ड ए स्पेशल मेंबरशिप कार्ड और क्रेडिट कार्ड। ये नॉर्मली आप एग्जाम्पल लो, आप फ्लिपकार्ट अमेजन पे जाते होंगे, आपने क्या देखा था, एक फोन का रेट 10,000 है बट वहां पे दिखा दिया कि अगर आप अमेरिकन एक्सप्रेस या SBI के कार्ड से खरीदोगे तो 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो क्या वही इंसेंटिव दिया जाता है। सिंपल अगर होटल है, होटल में मान लो कोई
स्पेशल कार्ड, जैसे मेंबरशिप कार्ड हो सकता है या कोई कार्ड का क्रेडिट कार्ड है, तो क्रेडिट कार्ड होटल के साथ एसोसिएशन बनाता है। जैसे मान लो ICICI बैंक, वो होटल के साथ बोला कि अगर मेरे कार्ड से, वो अपने कार्ड को प्रमोट करने के लिए वो कर रहे हैं, अगर मेरे कार्ड से आपके यहाँ पे करे तो हम 10% आपको देंगे, 10% मुझे छोड़ दीजिएगा, तो होटल को डिस्काउंट मिलता है, होटल को पैसा मिल जाता है, आपको डिस्काउंट मिलता है कहाँ से, वो बैंक के कार्ड से, तो उसको बोलते हैं इंसेंटिव रेट। को क्लियर है, वो डिस्काउंट आपको उस कार्ड वाले ने दिया, ICICI बैंक ने दिया, तो जो आप यूज कर रहे हो, होटल ने वो नहीं दिया आपको। ये हो सकता है कि आप स्पेशल मेंबरशिप कार्ड, क्योंकि आप इस होटल में जा रहे हो उसका मालिक आपका जान पहचान वाला है, तो उन्होंने अपना आपको एक कार्ड इशू करके दे दिया कि आप मेरे होटल में कहीं जाओ आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो क्या हो रहा है, वो आपको, वो MD आपको डिस्काउंट दे रहा है, ना कि होटल दे रहा है, वो इंसेंटिव रेट, आपको इंसेंटिव मिल रहा है, कट के मिल रहा है, रेट वही रहेगा, आपके बिल पे वही लिखा होगा 10,000 रूम रेट, बट नीचे लिखा रहेगा MD का जो स्पेशल मेंबरशिप कार्ड है उस पर 10% डिस्काउंट, तो आपको 9,000 में वो रूम मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है अर्ली बर्ड रेट, सिंपल अर्ली बर्ड सिंपल फ्लाइट और फ्लाइट में होती है, अब जितना जल्दी बुक करो फ्लाइट का टिकट उतना कम में मिलेगा, जितना लेट करोगे, जितना अपने ट्रैवल रेट से पास जाओगे, तो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। वैसे ही होटल में ये भी चलता है कि जैसे ही आप जितना पहले करो, मान लो आपको एक महीना बाद रुकना है होटल में, आज बुक कर रहे हो, तो क्या होगा, आपको सस्ता मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे पास में जाओगे बढ़ता जाएगा, भाई जितना अर्ली करोगे उतना कम रेट मिलेगा, उसी को अर्ली बर्ड रेट कहा जाता है। अर्ली बर्ड रेट इज अ रेट इज अ टाइप ऑफ रेट दैट इज ऑफर्ड टू इंडिविजुअल हु बुक देयर रूम इन अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज बिफोर देयर अराइवल। सिंपल जो मैंने समझाया, जितना जल्दी करोगे उतना कम मिलेगा, उसको अर्ली बर्ड रेट कहते हैं। अगर फैमिली रेट में जाए, फैमिली रेट क्या होता है, फैमिली के लिए पैकेज बना दिया जाता है कि बच्चे के लिए कॉट पेट भी दे दिया जाता है, और उसके साथ बच्चों के लिए जो खेलने का सामान है वो सब देख के एक पैकेज बना के रेट दिया जाता है। फैमिली रेट इज अ रेट दैट इज ऑफर ओनली टू द फैमिलीज, ये फैमिली को ही दिया जाता है। दिस रेट कैन इंक्लूड चार्जेस फॉर एक्स्ट्रा बेड, सिंपल अगर दो छोटे बच्चे हैं उसके लिए एक्स्ट्रा रूम तो ले नहीं सकते, एक ही रूम में एडजस्ट करना है, तो उनको एक ही रेट बना दिया जाता है कि आप हमारा रूम ये डबल 5,000 का है, 6,000 दो, उसमें आपको तो एक्स्ट्रा बेड दे देंगे, बच्चे के लिए खेलने के सामान दे देंगे, झूले दे देंगे, ये सब करके एक रेट बना दिया जाता है, फैमिली को दिया जाता है। ठीक है, तो आपको सब समझ आया हो, चलिए थैंक यू सो मच। नहीं समझ में आया हो तो प्लीज आप मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।